बिहार जिले के लाखनी शहर में विदर्भ महाविद्यालय के प्राध्यापक अमित गायधनी ने 23 अक्टूबर को सुबह 7:15 के दरमियान महाविद्यालय के पास ही खेत में चपरासी सुभाष आगोशी को बंदूक निकालकर सीने में गोली मारी। इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल तैयार हो गया। जख्मी चपरासी को दवाखाना लेकर जाया गया, बाद में भंडारा और नागपुर रेफर कर दिया गया, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। लाखानी पुलिस विभाग आरोपी को पकड़कर कलम 307 लगाकर पूछताछ जारी है। पुलिस उप विभागीय अधिकारी अरुण वायकर्णे ने बताया कि बंदूक जो आरोपी के पास मिली है वो छर्रे वाली है। आगे की जांच थाना इंचार्ज मनोज वाड़ीवे कर रहे हैं। BCN न्यूज के लिए भंडारा से सुरेंद्र चिंधालोरे की रिपोर्ट।